विच ऑफ देम इज पीक लोड स्टेशन, कौन से इसमें जो है वो पीक लोड स्टेशन है? स्मॉल कैपेसिटी थर्मल प्लांट, डीजल स्टेशन, रन ऑफ रिवर प्लांट या ऑल ऑफ देम? विच ऑफ देम इज पीक लोड? डीजल वन पीक लोड. तो डीजल पीक लोड का मतलब क्या होता है कि सडनली पावर की डिमांड उठी और तुरंत आपने स्टार्ट करके पावर सप्लाई कर सकते हो. तो गिवन ऑप्शन इज, मतलब कोई रन ऑफ रिवर है ना, ये रन ऑफ रिवर में जितना पानी आ रहा होता है पानी वो बिजली देगा ना. रन ऑफ रिवर जो रन ऑफ रिवर प्लांट होते हैं बेस लोड प्लांट होते हैं. तो जो रिजर्वर वाले होते हैं वो बेस लोड भी होते हैं, पीक लोड दोनों होते हैं. देखो बेस लोड प्लांट वो है जो लगातार बिजली प्रोड्यूस करेगा, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करेगा विदाउट मेजर चेंज. पीक लोड क्या है, तुरंत जो डिमांड क्रिएट हुई सप्लाई दे दी, वो पीक लोड प्लांट होते हैं. हाँ विद पॉन्डेज, मगर यहाँ पॉन्डेज नहीं है, ये खाली रन ऑफ रिवर प्लांट का है. तो जो रन ऑफ रिवर प्लांट होता है मींस एक रिवर है जितना पानी उसके पास है वो कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, वहाँ कोई एक्सेस पॉन्डेज है नहीं, वहाँ पे डैम है नहीं वहाँ पे, तो वो फिर बेस लोड प्लांट होता है. इस बारे में एक्सप्लेनेशन आपके पास है कि कौन कौन से बेस लोड प्लांट होते हैं. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बेस लोड प्लांट है, कोल पावर प्लांट ये बेस लोड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट रन ऑफ रिवर वाले ये बेस लोड है, स्टोरेज टाइप प्लांट ये बेस लोड है, जियोथर्मल प्लांट ये बेस लोड है, बायोगैस प्लांट ये बेस लोड है, बायोमास, सोलर, ओशन थर्मल ये सारे बेस लोड प्लांट है. क्यों है बेस लोड? बेस लोड इज द लेवल दैट इज टिपिकली डज नॉट गो बिलो, दैट इज द बेसिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. बेस लोड प्लांट से हम लगातार एनर्जी लेते रहते हैं, राइट जैसे थर्मल प्लांट है, आपने इसको स्टार्ट कर दिया फिर आप इसको एकदम से स्विच नहीं कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं, एकदम से 4-5 घंटे लगते हैं उनको चेंज करने में. तो वो बेस लोड प्लांट की एक कैटेगरी है. पीक लोड प्लांट क्या होते हैं? द डेली फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन डील करता है? पीक लोड प्लांट. क्योंकि ये जो प्लांट है ना आपके लगभग 5 मिनट में बिजली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, लगभग 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट. तो इसलिए वो पीक लोड प्लांट होते हैं. तो दिन के समय ऐसा होएगा जैसे 12-1 बजे के आसपास गर्मी के टाइम पे कि सडनली पावर की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी. तो उस लोड को जो पीक आया है 2-3 घंटे के लिए उसको कौन डील करेगा? पीक लोड प्लांट. बाकी दिन में तो जो चीज़ें वो चलती रहेंगी. जैसे फ्रेंकली स्पीकिंग दिन के टाइम में गर्मी के समय में आप मार्केट जाते हो, पंजाब में हर एक शॉप के अंदर एसी चालू होता है ज़्यादातर केसेस में, कोई 12 से लेकर लगभग 3 तक. तो 12 से 3 का लोड बहुत ही पीक का लोड होगा. कितनी मार्केट में शॉप्स हैं, हर शॉप में एसी, तो नेचुरली डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है. पर कितने टाइम के लिए? सिर्फ 2-3 घंटे के लिए. फिर 3 बजे के बाद एसी ऑफ कर देंगे तो एकदम से पावर का डिमांड कम हो जाता. तो वो जो 12 से 3 का जो लोड है, जो पीक लोड है, उसे 3 घंटे के लिए टैकल करने वाले प्लांट होंगे पीक लोड प्लांट. तो एक्सेस जो डिमांड क्रिएट हुई है या हाई डिमांड जो क्रिएट हुई 3-4 घंटे के लिए उसे ही प्रोवाइड करेगा. गैस प्लांट है यहाँ पे, सोलर पावर प्लांट है, विंड टर्बाइन्स हैं, डीजल जनरेटर हैं, स्टोरेज टाइप हाइड्रो प्लांट हैं, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो प्लांट हैं. इन सब में खासियत क्या है? 5 मिनट में रेडी होंगे तभी तो काम किया ना. ये एकदम से कॉल आएगी, डिमांड आ गई पंजाब में या यहाँ से डिमांड आई पावर, कौन देगा तुरंत डिमांड? ट्रू है ना? तो ये चीज यहां से. अगला प्रश्न है साइज ऑफ द कनेक्टर, सॉरी साइज नहीं, सैग ऑफ कनेक्टर. ये तो बड़ा आसान है. WL²/80 सही.
तो ये बेस लोड ही है। क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज पीक लोड स्टेशन, वो तो बेस लोड ही है। बेस लोड विदाउट पॉन्डेज, विदाउट पॉन्डेज मतलब कि उसका डैम नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो कहाँ से लेके आएगा तुरंत वो, है ना। अगर सिर्फ जैसे हमारे गांव के पास ही राणा फ्रीवर प्लांट है, तो जितनी पानी उतना पानी वो यूज कर रहा है। अब कोई बोले कि एकदम सिर्फ पावर दो एक्स्ट्रा, कहाँ से लेके आएगा एक्स्ट्रा पावर, पानी नहीं उसके पास। हाँ जी, हाँ। तो एक बात तो बहुत साफ होती है कि यदि स्टोरेज है आपके पास हाइड्रो में, तो डिमांड आई, पानी ऑन किया, बिजली प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई, तो पीक लोड हुआ। सुनगानी ये सारी सारे पीक लोड प्लांट बेस तो है ही, क्योंकि नदी का पानी आएगा, रावी का पानी आएगा, उसे वेस्ट क्यों करें। तो कुछ हद तक तो इलेक्ट्रिसिटी वो कॉन्टिन्यूसली दे ही रहे हैं, बंद नहीं है बैठे हुए वो। मगर कोई कहे कि अब डिमांड बड़ी है, चलो तीसरा टर्बाइन भी चालू कर दो, फिर तो डैम का पानी भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डिमांड जाएगी बंद कर दो ही चलाओ, तीसरा बंद कर दो, अब डिमांड नहीं है, तो पानी का डैम में स्टोर है, फिर आएगी नेक्स्ट डे, फिर पानी निकालेंगे वहां से, और ये तो स्टोरेज होना बड़ी जरूरी है हाइड्रो में फॉर गेटिंग पीक लोड्स। तो अगर आप रन ऑफ रिवर प्लांट है विदाउट स्टोरेज है, तो फिर जो है वो ऐसा पीक लोड काम नहीं कर सकता है, स्टोरेज उसके पास नहीं है। तो एक मेगावाट है ना? वो शायद हाँ एक या एक पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा, एक के आसपास का ही हो। अनुज अनुज बहुत पहले से है, रिटायर होगा वहीं पे वो, देखा 2017 में ट्रेनिंग उस टाइम में ना, कांगड़ा से मेरे एंस का रूम था घर में, रोगे था सर, फिर कोटी में चला गया। मतलब मैं हैरान होता हूँ कई बार, चंबा के लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे घर के बगल में प्लांट है ना, वहाँ के जो अच्छे पेइंग एम्प्लॉई हैं वो यहाँ के हैं, कांगड़ा के, जैसे अनुज है वो कांगड़ा से है, एक और है जो ये टनल को देखता है साड़ी को वो कांगड़ा से, एक और है जो पठानकोट, जो अच्छे पेइंग वाले हैं, जो पीछे इलेक्ट्रिशियन बच्चे टीममेट ऐसे से वो फिर लोकल है, जिनको अच्छी अच्छी पेमेंट नहीं मिलती। तो अब देखो यहाँ नौकरी होना इसका मतलब क्या हुआ, सरकारी जॉब बगल में नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, और नाना करते उसको 60-70,000 मिलते हैं पर मतलब, अब ज़्यादा होगा तो क्योंकि अब हाँ अब तो और ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जी जो बिल्कुल उनके बगल में है, और ऐसा कोई बड़ा स्किल्ड आदमी होना चाहिए उसको चलाने के लिए, सिंपल पॉलिटेक्निक करी है, थोड़ा तजुर्बा है, कहीं आपने भरमौर में काम कर लिए, कहीं चांजू में काम करके आगे वो लग गए आप, तो ये चीज़ होती है कि इतने दूर से आदमी आके जो है कहाँ छोटे प्लांट में काम कर रहे हैं, और तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, फाइटिंग स्पिरिट काफ़ी ज़रूरी है। आप बेस्ट है हाँ, बट ईमानदारी से काम किया ना, ईमानदारी से काम किया, लोगों को चाहिए ईमानदार एम्प्लॉय चाहिए, उसे नहीं देखा कि रात हो गई है, सुबह हो गई है, शाम के 4 बज गए, ये नहीं देखा, लाइन में फॉल्ट आ कुछ आया तो तुरंत निकल पड़ा। तो अगर किसी व्यक्ति को उसका एम्प्लॉय जो है हर टाइम पर अवेलेबल मिल रहा है, तो क्यों ना उसके लिए करेगा, इसलिए उसको जान देना ही चाहते हैं वहाँ से, तो कहीं नहीं जाएगा, वो नहीं चलाना संभालना है, अब पूरा प्लांट उसके हैंड ओवर है, सारा वही होता है मैनेज करता है। हाँ बिल्कुल, कोई फॉल्ट ना ही तो लगातार चलती है, छोटी सी नदी है वहाँ से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। ये मेरे ख्याल से ग्रिड को सेंड करते हैं, मगर ये कोटी को है इसका कनेक्शन, कोटी क्या ये सुचार नहीं है वहाँ को ऐसा कनेक्शन हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ भेजा इसको 1 मेगावाट। इनकम जनरेट नहीं, ऐसा नहीं, जैसे मान लो सपोज कर लो रागी दे दी है, और हम इसका अगर रन ऑफ रिवर प्लांट बनाना चाहते हैं, तो हमें पूरी रागी को ही लेना पड़ेगा पानी से ना, उसका वहाँ से एक टनल बनाई है, कुछ किया या चाटी बना दी, वहाँ से पानी ले आए, मगर जब बरसात होगी
पानी बहुत आएगा तो आपने वेस्ट कर देना पानी सारे को। जैसे हमारे यहाँ जब बरसात होती है बारिश हो तो उसकी कैपेसिटी खाली कितने से पानी की जितना कि नॉर्मल पानी नदी में रहता है। बरसात के टाइम पे पानी कितना आता है तो वेस्ट होगा सारा उसके अंदर। ये डैम होता तो बरसात का पानी रहता उसमें स्टोर्ड, फिर उसे आगे 4-5 महीने यूज करते बिजली पैदा करते। तो रन ऑफ रिवर में जहाँ कॉस्ट सेव होती है आप डैम नहीं बनाते तो आपके पास फिर एनर्जी जो आपने प्रोड्यूस करनी थी वो भी कर पाते आप। इज इट डू नॉट, इससे जिनके पास रिजर्वर हैं डैम हैं वो बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उसको स्टोर कर सकते हैं। हमारे कई बार मेंटेनेंस करनी है आपने, लाइक जनरेटर या टर्बाइन की मेंटेनेंस करनी है तो आपको तो बंद करना पड़ेगा, और बंद करने पानी कहाँ जाएगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वेस्ट करना पड़ेगा। डैम होता स्टोर होता पानी को, तो कुछ वेस्टेज है नहीं उसमें डैम वाले में, आप पूरे पूरे पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वही है कि जितना आ रहा पानी बस उतने चलाते जाओ, ग्राट नहीं होते, ग्राट वैसा है ना कि आया पानी यूज़ कर, आया पानी नहीं चल यूज़ करना तो वेस्ट है पानी, फिर वही बात होती है। चलिए, जो डिस्कस हो गया था मैच दी ट्रांसमिशन लाइन्स इन कॉलम ए विद रिस्पेक्ट विद देयर रिस्पेक्टिव वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी इन कॉलम बी। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, 132 kV, 33 kV, 11 kV, 400 kV मैच कराइंग। प्राइमरी ट्रांसमिशन 132 kV, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 33 kV, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 400 kV। तो ये थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। अच्छा सारा सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन 400 kV उल्टा कर दिया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को आपस में इंटरचेंज कर दिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया ना, मैंने क्वेश्चन में लिया था उधर और याद कर दिया सर से, तो कोई कर देंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन 132 kV एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन 33 kV, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 400 kV। हाँ बिल्कुल, प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन 33 kV तो नहीं होता, प्राइमरी में सिंपली प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होता है, दो कैटेगरीज होती हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एक वो स्टेज है जहाँ पे हम जो है वो कंज्यूमर को सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा उसका पीछे का पार्ट है जहाँ पे हम थोड़ा हाई लेवल पर जो है ट्रांसमिट करते हैं, मगर 400 kV किन को देंगे हम लोग, जैसे कंज्यूमर के बिल्कुल पीछे कौन बैठा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पीछे कौन बैठा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे 11 kV की लाइन ली जाती है, जैसे आप जब देखेंगे अपने गाँव के आसपास में तो 11 kV की डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन आ रही है, जो आगे जाके 400 वोल्ट पे जो है वो पहुँच जा रही है। तो 33 तो नहीं लेते ट्रांसमिट, नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइमरी 11 है और जो सेकेंडरी है वो 400, डिस्ट्रीब्यूशन में ये लेते हैं 11 और 33 400 लेते हैं। इंडस्ट्रीज वगैरह तो फिर सेपरेट केस है ना, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्रीज है कहते हैं कि 33 kV मेरे को पावर चाहिए, उसके बाद डिमांड होगी, मगर जब आपने सप्लाई करनी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो आपको 11 और 400 पे ही रखनी है चीज़ें, वो 33 kV पर वो तो रेयर डिमांड करेंगे। वो अंक अपना, जैसे मान लो कोई टाटा स्टील है उसको बहुत हैवी वो 132 से मांग लेंगे, तो अगर वो मांगेंगे तो अच्छी बात है, फिर तो हमें और बेनिफिट है क्योंकि उसको स्टेप डाउन करने के लिए जो ट्रांसफार्मर चाहिए थे 11 kV तक करने के लिए तो कॉस्ट बच रही है हमारी, तभी तो इंसेंटिव देते हैं। जो भी पर्सन हाई वोल्टेज पे सप्लाई लेता है उसको इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज 1000 kV होगी किस मैच में,
मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज अभी 1000 kV पे तो है अभी थोड़ा सा लाइन चल रही है ना पहले टाटा ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसमें 1000 kV सप्लाई कर रहे हो सकता है 1000 kV कर दियो कर दियो क्योंकि 765 जो है ना वो तो डेटा है जो बुक्स में हर कहीं मिलता है भी मगर ये तो टाटा की आप बात कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कहीं कहीं किया होता है नहीं तो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन पे भी इंसुलेशन इंक्रीज करके वो कर सकते हैं उसको फिलहाल हाईएस्ट वोल्टेज 765 थी तो सर हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या एग्जाम में उसको अडॉप्ट किया जा रहा है क्या 765 पे यूज ठीक है अगला प्रश्न है व्हेन देयर इज अ सडन रिडक्शन इन लोड ऑन द टर्बाइन इन ए हाइड्रल प्लांट द गवर्नर क्लोजेस द गेट ऑफ द टर्बाइन टू रिड्यूस द वाटर फ्लो नेचुरली करेगा This causes pressure to increase abnormally in the penstock. Penstock में pressure, वैसे भी आप कोई pipe एकदम से नलका बंद करते हैं, एकदम से आते हैं ना वो pressure बनता है पीछे, vacuum जैसा बनता है. इसको prevent कैसे करना? बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है. आपने नलका कभी बंद किया है? एकदम से pressure जब पानी आया होता है, एकदम बंद करते हैं, फिर pipe खुली होती है, पीछे आती है ऐसे पीछे को झटका मारती है. उस चक्के की बात की जा रही है बाय यूजिंग फीड वाटर बाय यूजिंग कंट्रोल गेट बाय यूजिंग सर्च टैंक बाय यूजिंग के इकोनोमाइजर सर्च टैंक वाटर हैमरिंग नाम से तो ऐसे आप गेट बंद करोगे वाटर के तो वाटर हैमरिंग होगी तरह से तो उस चीज को रोक करने के लिए जो है वो सर्च टैंक होता है थोड़ी सी बात आप जान जाएंगे जैसे ये रिजर्वॉयर है ये यहाँ से पेन स्टॉक है ऐसा सारा ना ये आप एकदम से बंद करोगे तो ये तो वाटर हैमर करना पीछे को तो ये पेन स्टॉक को तोड़ सकता है पेन स्टॉक को ये तोड़ सकता है इसलिए ये पानी प्रेशर से कहाँ जाएगा ऊपर और सर्च टैंक में एकदम से आप किसी चीज़ को रोकते हैं उसका फ्लो रोकते हैं तो नेचुरली प्रेशर वापस आएगा ये फिर पानी सर्च टैंक में जाके जो अपना प्रेशर लूज कर जाता है और कई बार यहाँ से निकल कर नीचे गया था पानी मानी या कहीं आपकी ट्रेनिंग करी हो तो यहाँ सर्च टैंक से के बाद पानी ओवरफ्लो करके साइड से नीचे भी आ जाता है जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस तो डैम है स्पिलवे है पेनस्टॉक है सर्च टैंक है ये इनके काम है स्पिलवे क्या होती है डैम क्या होता है पेनस्टॉक क्या है इत्यादि 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 इसके बारे में जानना चाहिए 4 ऑल्टरनेटर्स ईच रेटेड एट 5 MVA 11 kV With 20% reactants are working in parallel. The short circuit level at the bus bar is A, B, C, D. अभी आ गया आपका कैप्सा वाला फॉल्ट एनालिसिस का आप बता दो वैसे क्या बताऊ शॉर्ट सर्किटेड जो लेवल एट द बस बार आपने खोजना है 20% रेजिस्टेंस है 5 MVA के 4 ऑल्टरनेटर हैं और वर्किंग इन पैरेलल 20% की रेजिस्टेंस है मीन्स 0.2 पर यूनिट तो शॉर्ट सर्क्यूटेड लेवल एट द बस बार शॉर्ट सर्क्यूट अगर आपने वो टॉपिक किए थे तो आपको मैंने शॉर्ट सर्क्यूट लेवल को पढ़ाया था एक बार आप देखना हाँ जी भी अपने सॉल्व किया कि देखिए शॉर्ट सर्क्यूटेड हम कैसे निकालते हैं सिंपली 1/ टोटल रिएक्टेंस पर यूनिट मैंने आई थिंक कहा था आपको सर तो नोट कर नोट करते आपको याद आना चाहिए 4 पैनल में ना तो रिएक्टेंस टोटल क्या होगी 1/4 हो जाएगी पैनल में The short circuited MVA is given by 1/x equivalent to MVA base. MVA base मैंने आपने वही रेटिंग ले ली मशीन
तो मशीन की रेटिंग क्या है? बेस, अब बेस और जो न्यू होते हैं, बेस में सिंपली जो रेटिंग थी 5, तो 5 रेट बेस किया था। पहले भी मैंने चाहा इसलिए 1/4 रह जाएगी उसका। चलिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट द रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन इनिशियल कॉस्ट इज लीस्ट। अब ये आपका ना जनरल नॉलेज का प्रश्न बन गया, जनरल अंडरस्टैंडिंग। नंबर किसका? जनरल ऑपरेटिंग कॉस्ट, चलाने के लिए जो कॉस्ट लगती है। इनिशियल कॉस्ट, स्टार्टिंग में जो उसको बनाने के लिए कॉस्ट लगी। सबसे कम किस में होगी? उसमें सबसे कम होगी जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे कम होगी। तो देखिए, हाइड्रो की ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी? कुछ भी नहीं। इनिशियल बहुत ज़्यादा है, इनिशियल तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, डबल कह सकते हैं आप थर्मल प्लांट से विद सेम कैपेसिटी। तो आपने 200 मेगावाट का बनाना है थर्मल का, 200 हाइड्रो का, डबल ट्रिपल कॉस्ट लगती है स्टार्टिंग में उसकी। कि मेन एक्सपेंस ना ये है अपना रिजर्वॉयर, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। क्यों एक्सपेंसिव पड़ता है? क्योंकि आपको लैंड एक्विजिशन करनी, लैंड ही बहुत महंगी पड़ेगी। आप कहीं पर लैंड लेके देखिए तो लगता है कि कितनी कॉस्टली लैंड है, और रिजर्वॉयर बनाना है तो उस आसपास के लैंड को आपको पहले तो एक्वायर करना है। इसके बाद फिर जब उसमें उसको रिजर्वॉयर, ये नहीं कि आप कहीं पे भी रिजर्वॉयर बना देंगे, हमें उस आसपास के एरिया की भी चेकिंग करनी पड़ेगी। उसमें काफ़ी जियोलॉजिस्ट आते हैं जो चेक करते हैं, रीइंफोर्सिंग की जाती है, पहाड़ों को स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि पानी कॉन्टिन्यूसली वहाँ रहेगा तो पहाड़ गिर भी सकता है, ऊपर जो लोगों को खतरा भी आ सकता है उससे। तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है रिजर्वॉयर के ऊपर, फिर एचआरटी के ऊपर, फिर सारा कॉस्ट काफ़ी इन्वॉल्व है, मगर फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। पानी आएगा, पानी तो फ्री में। तो कॉन्सेप्ट की बात की गई है, ये तो आपको मैंने करवाया था एक टेबल जैसा ना ऊपर, किसमें कम किसमें ज़्यादा और इत्यादि इत्यादि। ट्रांसपोजिशन ये भी अपने पढ़ा था, ट्रांसपोजिशन कनेक्टर की पोजिशन को थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो। अब कनेक्टर्स इन लार्ज ट्रांसमिशन लाइन रिजल्ट्स इन, ट्रांसपोजिशन से होता क्या है, क्या बेनिफिट होता है? सेम एवरेज कैपेसिटेंस फॉर वेरियस, याद करिए ट्रांसपोजिशन एक टर्म थी। ये ट्रांसपोजिशन राइट, उनकी पोजीशंस को हम चेंज कर रहे हैं, जहाँ पहले ए था अब वहाँ बी आ रहा है, जहाँ बी था वहाँ पे सी आ रहा है। तो इस तरह से इनको टेस्ट किया जा रहा है। हाँ चेंज नहीं हुई, वो पूरी सिंपलाइज करते हैं उसमें, वो बेनिफिट है। अ पेयर ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी पैरेलल ट्रांसमिशन लाइंस हैज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ 1 microfarad एंड 10 microfarad, अ माइक्रो हेल्प रिस्पेक्टिव द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस ऑफ द लाइन। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक,
पेयर ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन्स हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस जो है और इंडक्टेंस है वो इस तरह से पैरेलल में है मतलब तो करेक्ट इंपेडेंस को आप पूछेंगे ट्रांसमिशन एवरीबडी ट्राई आपको उस टाइम पे आई थिंक कराया गया था जब सर्च इम्पिडेंस लोडिंग का टॉपिक था और कहा गया था कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इज नथिंग बट सर्च इम्पिडेंस लोडिंग इन इन ए सेंस तो अंडर रूट एल अपॉन क्या होता है रूट एल अपॉन से तो मैं तो कहता हूँ कि एक फॉर्मूला बुक आती है ना नेट पे आप चेक करेंगे फॉर्मूला बुक आती है उसमें फॉर्मूला दिए होते सारे तो थ्योरी तो रट सकता है हर कोई पर्सन ना मगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे रट होगा तो फॉर्म बुक आती उसको रोज आपको पढ़ना चाहिए तो काफी मोटी वो मतलब हाँ हाँ वो एक ले लो उनका जिनके पास नहीं है फॉर्मूला बुक या चार्ट बना लो फिर चार्ट बने जाते हैं वो बढ़िया फॉर ए पावर प्लांट द सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ डिफरेंट लोड इज दिस एंड ओवरऑल डाइवर्सिटी फैक्टर याद है वो है 1.35 का ये तो समझ लिया है ना आपको हाँ ये भी ठीक है दीवार पे चिपका दो फाइंड द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर सप्लाई मैक्सिमम डिमांड डाइवर्सिटी फैक्टर याद है तो नोट्स देख लो कोई दिक्कत नहीं है नोट्स देख लो जहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर करवाया गया था वो चैप्टर ऐसा है वैसे लगे उसको दो दिन थे सिर्फ मगर वहां से क्वेश्चन पक्का आते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर दिया हुआ है आपको मैक्सिमम डिमांड निकालनी है स्टेशन की
जी किसका नंबर था बी बी ओह सॉरी माय मिस्टेक तो आपने फॉर्मूला चेक किया व्हाट इज डाइवर्सिटी फैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन तो यहां से आपने फैक्टर डालोगे स्क्वायर ठीक है पर यूनिट इंपेडेंस निकालनी है आपने तो पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ ए लाइन 250 MVA 11 kV base is 0.9 per unit. So the per unit impedance to the base of 10 MVA 33 kV कितना होगा? अगर base आप ये लेते हैं, तो कितनी होगी? इस तरह क्वेश्चन SSC में JEE में तो आते हैं, but हिमाचल जी में रेयर ऑब्जर्व किया गया इनको पर यूनिट क्वालिटीज होती हैं एक्चुअल अपॉन बेस बेस दे रखा है तो अब इतना बोलूंगा तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा बेस पता है
और आपको एक्चुअल इम्पीडेंस मालूम करनी, फिर आप पर यूनिट निकाल सकते हैं। बेस ये है, अच्छा पर यूनिट दे रखी है, इसमें निकाल, अच्छा ठीक है इसमें भी निकाल लिया। पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ टू द बेस ऑफ ये है कि पायरोट वैल्यू होती है एक्चुअल अपॉन बेस। बात कोई है जो तरना पर इसे एक फॉर्मूला ये भी है कि पर यूनिट न्यू जो होती है पर यूनिट ओल्ड इंटू के वी बेस अपॉन के वी न्यू का स्क्वायर इंटू एम वी न्यू एम वी ओल्ड का बेस अपॉन, या इसका आप ओल्ड भी कह सकते हैं जो भी कहना, तो इस तरह से आपने वैल्यूज डाली इसके अंदर। ये फॉर्मूला है, अगर आपने पर यूनिट न्यू इम्पीडेंस निकालनी है, रिएक्टेंस निकालनी है, तो जो ओल्ड थी, ओल्ड कितनी थी 0.9 के वी ओल्ड मैंने पिछली वाली जो थी अपॉन के वी न्यू किलो वोल्ट में जो उसका स्क्वायर इंटू एम वी न्यू अभी नई वाली राइट अपॉन एम वी ओल्ड, के वी ओल्ड, के वी ओल्ड और एम वी ओल्ड ये है, और के वी न्यू एंड एम वी न्यू ये है। तो मत रखो फॉर्मूला, जिन्होंने क्लासेस नहीं की थी प्लीज ये फॉर्मूला यहाँ से लिख लें, काम आएगा, और सोल्यूशन जिन्होंने नहीं किया वो सोल्यूशन भी यहाँ से देख सकते हैं। मैं उसमें नहीं हूँ, बहुत टाइम लगेगा उसमें। डैश इज दी वोल्टेज दैट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर एच पी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज डी सी ट्रांसमिशन, बड़ी सवाल है। तो सी 500 केवी, तो 500 केवी जब चूज की जाती है एच पी डी सी में, क्या रखेंगे इस चीज़ का प्लस माइनस है, चाहिए डी सी प्लस माइनस होते हैं, दो ही पॉइंट होते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट अभी किया था परसों, जल्दी निकाल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट अभी परसों किया था।
कितना लोड शेयर कर, पी वन पी टू निकालना है, कितना लोड शेयर करना है उनको, लोड ऑफ पी वन पी टू। अभी दो दिन पहले क्या था सवाल ये, देखिए पीछे दो दिन पहले क्वेश्चन किया ये, और वही फॉर्मूला अपने यूज करना है। नहीं नहीं यही इस क्लास में होता शायद। इक्वेशन बनती इक्वेशन इसमें। ये क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा।